शहर के अम्बेडकर कॉलोनी स्थित प्रज्ञा संस्थान में सीमा रंगा इंदिरा द्वारा रचित सतरंगी कविता काव्य संकलन पुस्तक का विमोचन समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। समारोह प्रोफेसर बंसीधर तातेड़ की अध्यक्षता प्रोफेसर मुकेश पचौरी सहित कई अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में कई साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। शहर के अम्बेडकर कॉलोनी स्थित प्रज्ञा संस्थान में सीमा रंगा इंदिरा द्वारा रचित सतरंगी कविताएं काव्य संकलन पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह प्रोफेसर बंसीधर तातेड़ की अध्यक्षता प्रोफेसर मुकेश पचौरी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आदेश किशोर जानी सालग्राम परिहार नेशनल अवार्डी ज्योति धंधे निदेशक प्रज्ञा संस्थान के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर बी डी तातेड़ ने बताया कि सीमा रंगा इंदिरा द्वारा रचित सतरंगी कविताएं पुस्तक जीवन के विविध पहलू पर प्रकाश डालती है। कवित्री सीमा रंगा इंदिरा ने अपने काव्य संकलन में जीवन के अनेक अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कलम, शिक्षा, संस्कृति, देश प्रेम, प्रकृति, चित्रण, माता पिता की प्रेरणा, हरियाणवी जीवन शैली सहित जीवन के अनेक पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। समारोह में मुख्य अतिथि पर बोलते हुए प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने बताया कि सीमा की कविताएं जीवन को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। आशीर्वाद से मिला है क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने जीवन के हर पहलू पर लिखा है, जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा, रिश्ते, प्रकृति के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहन के बारे में, इवन पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको मैंने शामिल किया अपनी कविताओं में। मैंने पुरजोर कोशिश की है कोई भी प्रकृति की चीज अछूती ना रहे इससे। समारोह में सतरंगी कविताएं काव्य संकलन की रचनाकार सीमा रंगा इंदिरा ने पुस्तक लेखन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली और मेरे हमसफर विक्की कुमार ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जिसकी बदौलत मेरी कविताएं पुस्तकार रूप ले सकी। प्रोफेसर आदिल किशोर ने बताया कि सीमा की कविताएं आसमान को देखती है लेकिन जमीन से जुड़ी हुई है। सालग्राम परिहार ने बताया कि सीमा की कविताएं हर परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक में संकलित 73 कविताएं जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है। समारोह का संचालन डॉक्टर बी एल धंधे ने किया। प्रज्ञा संस्था के निदेशक ज्योति धंधे ने सभी अतिथियों साहित्य प्रेमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में कई साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।